पापे की कहानियाँ मस्ती में उलो। आज पेपा और उसके दोस्त मिठाई की दुकान पर जा रहे हैं। हेलो मिस रैबिट, मुझे इस मिठाई की दुकान की सारी चीजें खरीदनी है। ये लीजिए मेरा सिक्का। पेपा और उसके सभी दोस्तों के पास मिठाई खरीदने के लिए एक एक सिक्का है। ये लीजिए मेरा भी सिक्का। और मेरा भी। और मेरा भी। खूब सारा पैसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे दुकान की सारी चीजें खरीदी जा सकती है। हालांकि सिर्फ एक सिक्का देकर आप मेरी नई मिठाई बनाने की मशीन को आजमा सकते हो। बस कोई मशीन चुन लो, अपना सिक्का स्लॉट में डाल दो और बड़े से लाल बटन को दबाओ। स्ट्रॉबेरी लेस नहीं। पर स्ट्रॉबेरी तो एक फल है, ये मिठाई नहीं है। मेरी मिठाइयाँ जायकेदार असली फलों से बनी है, ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा सेहतमंद। जायकेदार स्ट्रॉबेरी, ये तो बालू जैसी लगती है। तुमने सही कहा, मेरे पास है स्ट्रॉबेरी पोनीटेल। मेरी बारी। एमिली एलिफेंट को इंद्रधनुष जैसी लॉलीपॉप बनाने वाली मशीन मिली है। इस मशीन के लिए आपको अपने मन पसंद जायके वाले फल को चुनने के लिए बटन दबाना पड़ेगा। ये पीला केला। ओह, तुम्हें लाल से बहुत अच्छे लगते हैं। और गुलाबी रस भरे। और नीले ब्लूबेरी। और हरे सेब। आपको तो सारे जायके अच्छे लगते हैं। फलों से भरपूर। देखो, ये एक बड़ा सा घूमता हुआ कटोरा है। ये एक कैंडी फ्लॉस मशीन है। तुम इसमें अपना सिक्का डाल के इसे आजमाते क्यों नहीं? इसका जायका बिल्कुल नारियल जैसा है। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है सूजी। और अब ये तुम्हारी तरह और ज्यादा लग रही है। वो क्या है? बस एक ही तरीके से पता लगा सकते हो। लेकिन मुझे लगा था कि ये मिठाई की मशीन है, पैसों की मशीन नहीं। क्या मैं इसे इस्तेमाल करके थोड़ी सी असली मिठाइयाँ खरीद सकती हूँ? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये सिक्का ही मिठाई है पापा। ये चॉकलेट का सिक्का है। हाँ? चॉकलेट। अरे वाह। पापा को मिठाई की दुकान से मिठाई बहुत अच्छी लगती है। सभी को मिठाई की दुकान की दावत बहुत अच्छी लगती है। आज पापा और उसका प्ले ग्रुप एक जूस फैक्ट्री में है। वे सीख रहे हैं कि जूस कैसे बनाते हैं। और ये फल निचोड़ने की मशीन है। ये संतरे से सारा जूस निचोड़ लेती है। क्या मैं संतरे निचोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ मिस रैबिट? बेशक, तुम सभी कोशिश कर सकते हो। सभी को संतरे निचोड़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। मेरे हाथ थक चुके हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अली चीज जूस टॉपर है। स्ट्रॉबेरी से सारा जूस निकालने के लिए स्टॉम्पर में बड़े बड़े बूट्स होते हैं। ओह, क्या मैं पैरों से दबा सकती हूँ मिस रैबिट? हाँ, हर कोई कोशिश कर सकता है। अरे वाह! तो इन जूतों को पहनो और पैरों से दबाओ। ये बिल्कुल कीचड़ भरे गड्ढों में कूदने जैसा है। बहुत अच्छा किया बच्चों, अब मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पर जूस को डिब्बों में डाला जाता है। हमें स्वाद को डिब्बों में दी गई तस्वीर से मिलाना होगा। तो बताओ ये क्या है? ये लाल है, क्या ये स्ट्रॉबेरी है? शाबाश मैंडी, इसे भरने के लिए लाल बटन दबाओ। आप बताओ ये वाला कौन सा है? ये हरा है, इसलिए सेब है। बिल्कुल सही सूजी। और ये वाला? इसमें बहुत सारे रंग है।
पापा, तुमने बिल्कुल नए प्रकार का जूस बनाया है। ये रेनबो जूस है। सभी को लगता है कि रेनबो जूस दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कमरा साइका लेने के लिए है। यहाँ हम पक्का करते हैं कि सभी जूस का स्वाद हो लाजवाब। लेकिन इस चीज को मजेदार बनाने के लिए हम गेस करेंगे हर जूस का स्वाद। पेपा और उसके प्ले ग्रुप को जूस टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। यम, ये तो संतरे का जूस है। ये सेब का जूस है। इसका स्वाद ऐसा है जैसे सारे जूसेस मिला दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है तुम्हारा खास रेनबो जूस। यम यम यम। पेपा को जूस के बारे में सीखना अच्छा लगता है और पेपा को उसका स्वादिष्ट रेनबो जूस बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसकी फैमिली सुपरमार्केट में है। सुपरमार्केट के बाहर खिलौनों वाली मशीन लगी हुई है। मैंडी माउस को एक खिलौना मिला है। देखो मम्मी, एक यो-यो। शाबाश मैंडी। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम्हें खिलौने वाली मशीन पर जाना है? हाँ प्लीज। ये कैसे चलती है मिस रैबिट? बस एक टोकन खरीदो और इसे स्टॉल में डाल दो, फिर एक गेंद मशीन के निचले हिस्से तक लुढ़कती जाती है और अंदर एक गजब का खास खिलौना होता है। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर वाला खिलौना चाहिए। अरे वाह, तुम सब एक एक बार कोशिश कर सकती हो। ये लो, कोशिश करो। जॉर्ज के टोकन से मशीन में रोशनी होती है और म्यूजिक बजने लगता है। गेंद पूरी तरह नीचे तक लुढ़कती हुई जाती है। जॉर्ज को खिलौने वाला स्क्रू ड्राइवर मिला है। एक स्क्रू ड्राइवर काम की चीज है। डायनासोर। चिंता मत करो जॉर्ज, मैं डायनासोर भी लाने की कोशिश करूंगी। अब पेपा के टोकन से मशीन में रोशनी होती है और दूसरी गेंद लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ जाती है। पेपा को डायनासोर नहीं मिला, लेकिन उसे कुछ बहुत अच्छे स्टिकर्स मिले हैं। डायनासोर। तुम्हें कितने प्यारे खिलौने मिले हैं। लेकिन देखो, हमारी आइसक्रीम पिघलने लगी है। बस मिलने ही वाला था। मुझे लगता है कि डायनासोर अगली बार तुम्हें जरूर मिलेगा। प्लीज, क्या हम एक बार और कोशिश कर सकते हैं मम्मी? प्लीज। अच्छा ठीक है, एक और कोशिश करो। पेपा और जॉर्ज मिलकर खिलौने वाली मशीन का लीवर खींचते हैं, लेकिन इस बार एक भी गेंद नहीं निकली। अरे रे, मैं देखना चाहती थी तुम्हें कौन सा खिलौना मिलेगा। चिंता ना करें मम्मी पिग, मैं इसे ठीक कर दूंगी। मुझे बस अपना स्क्रू ड्राइवर चाहिए। नहीं नहीं। शुक्रिया जॉर्ज। मिस रैबिट ने मशीन को कुछ ज्यादा ही ठीक कर दिया है। अब सारी गेंदें बाहर गिर पड़ी है। अच्छा होगा मैं इन्हें वापस रख दूं। लेकिन तुम्हें ये मिलता है मशीन ठीक करने में मेरी मदद करने के लिए। डायनासोर। शुक्रिया मिस रैबिट, ये आपके लिए। सभी को खिलौने वाली मशीन अच्छी लगती है और जॉर्ज को डायनासोर वाकई अच्छे लगते हैं। आज पेपा और उसकी फैमिली आर्केड जा रही है। बहुत खूब, तुम्हें मिला है हाई स्कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपा और मैं इन सभी खेलों में माहिर हैं। इन सभी टोकन्स को देखो पेपा, यदि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए तो इनके बदले तुम्हें बड़ा सा इनाम मिल सकता है। बहुत खूब, एक इनाम। देखो इतने सारे टोकन्स।
क्या हम उस खेल को और ज्यादा खेल सकते हैं? क्यों नहीं पापा? मम्मी पिग पापा को कैरेट बॉब खेलना सिखा रही है। जब भी वे पॉप अप करते हैं तो वो कैरेट को मारती है। जोर से मारो, जोर से मारो। क्या तुम दोनों करना चाहोगी? हाँ जरूर। जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। और ज्यादा टोके? क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बड़ा इनाम पा सकते हैं डैडी? डैडी? डैडी पिग डांसिंग गेम खेल रहे हैं। डैडी पिग को डांस करना बहुत पसंद है। जानते हो, मैं तो डांस में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी बारी पापा। वाह! ओह, मजेदार था। लेकिन क्या कोई ऐसा खेल है जिसे हम मिलकर खेल सकते हैं? हाँ, एक खेल है। पेपा और उसकी फैमिली गुब्बारे वाला खेल खेल रहे हैं। जो पहले अपने गुब्बारे में पानी भरेगा वो जीत जाएगा। स्कोर मिला? हाँ, तुम्हें इतना हाई स्कोर मिला है कि तुमने जीत लिया है जैकपॉट। अब अपने सारे टोकन्स को ट्रेड करके तुम्हें मिलेगा बड़ा सा इनाम। अरे वाह, चलो चलते हैं। हेलो अगेन पापा। यह हमारे सभी टोकन है, क्या हमें हमारा इनाम मिल सकता है? बिल्कुल, इन सारे टोकन से तुम पा सकती हो एक अनोखा, बिल्कुल खास, अलग तरह का इनाम। पेंसिल। अरे वाह, पेंसिल। पेपा को आर्केड में अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे टोकन जीतना अच्छा लगता है, और पेपा को अपनी नई पेंसिल वाकई बहुत अच्छी लगती है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली एक खास तरह की रेस्टोरेंट में है। ये एक खास किस्म का रेस्टोरेंट है जिसे कहा जाता है बुफे। बस एक प्लेट लो और जो आप खाना चाहते हो उसे ले लो, मजे करो। अरे वाह! रेस्टोरेंट के बुफे में चुनने के लिए काफी अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी पेपा? स्पेगेटी मेरी पसंदीदा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी वापस आकर कुछ और ले सकते हैं। ओह, बड़ी आइडिया है। और आप क्या चाहेंगे जॉर्ज? जूस। तो प्यास लगी है तुम्हें? मुझे लगता है हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है? संतरे का जूस निकालने वाली मशीन बहुत तेज शोर करती है, और इसके बावजूद इसने संतरे का ज्यादा जूस भी नहीं निकाला है। जूस। हमें थोड़ा सा जूस और निकालना होगा। स्वादिष्ट, मैं इंतजार नहीं करता। तुम्हें भूख लगी थी पेपा? क्या अब मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? बेशक, चलो चलते हैं। अरे वाह! ग्रैंडपा पिग अभी भी जॉर्ज के लिए एक कप संतरे का जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रे, क्या हमें और संतरे मिल सकते हैं मिस रैबिट? अभी लाई। पेपा को एक काफी खास पैनकेक मशीन मिल गई है। बस एक पैनकेक बना दीजिए मिस्टर रोबोट। मैं कभी भी वापस आकर और ले सकती हूँ। शानदार। क्रैनी पिग अपनी स्पेगेटी खाने के लिए काफी उत्साहित है। खत्म। शुक्रिया पैनकेक रोबोट। पर अब पेपा को भी प्यास लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा सा जूस मिल सकता है ग्रैनी पिग? हाँ बेशक, ग्रैंडपा पिग जूस ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा पिग ने आखिरकार एक कप संतरे का जूस बना ही लिया है।
असल में ग्रैंडपा पिग ने संतरे के जूस के काफी सारे कप तैयार कर लिए हैं। मशीन ने आखिरकार संतरे का जूस बनाना बंद कर दिया है। अजीब से ग्रैंडपा, आपको इतना जूस बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कभी भी वापस आकर और ले सकते हैं। पेपा को बुफे रेस्टोरेंट काफी अच्छा लगता है और जॉर्ज को संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और जॉर्ज फन फेयर में आए हैं। हाय पेपा, क्या तुम अब तक फन हाउस में जा चुकी हो? फन हाउस क्या होता है? ये खास तरह का फन फेयर हाउस होता है जिसमें खूब सारे मस्त और मजाकिया कमरे होते हैं। क्या मैं और जॉर्ज फन हाउस में जा सकते हैं? प्लीज प्लीज। हेलो मिस रैबिट, फन हाउस के लिए 2 टिकट प्लीज। फन हाउस में जाने के लिए मम्मी पिग को मिस रैबिट से टोकन खरीदने होंगे, लेकिन टोकन की कीमत मम्मी पिग की सोच से कहीं ज्यादा थी। शुक्रिया मम्मी पिग, इधर से जाइए। अरे वाह, ये डावाडोल पुल है। फन हाउस के बाकी हिस्सों को देखने के लिए इस पर से जाओ। पेपा पुल को काफी धीरे से और सावधानी से पार कर रही है, लेकिन जॉर्ज को तेजी से करने में मजा आ रहा है। तुम्हारा तरीका काफी बेहतर है जॉर्ज। बहुत अच्छे, अब तुम्हें फॉलो करना होगा इन तीरों को। इस तरफ जॉर्ज। ये शीशे काफी हिलते डुलते हैं। फन हाउस के शीशों में पेपा और जॉर्ज वाकई अजीब दिख रहे हैं। इस शीशे में मैं कितनी लंबी दिख रही हूँ, और इसमें तुम्हारा सिर काफी बड़ा दिख रहा है जॉर्ज। और इसमें तुम दिख रहे हो एकदम गोल गोल। और इस शीशे में मैं लग रही हूँ बिल्कुल मिस रैबिट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हूँ मिस रैबिट। मेरे पीछे पीछे घुमावदार सुरंग तक आओ। फन हाउस की सुरंग गोल गोल घूमती है और इसमें तेज हवा भी चल रही है। देखो, सुरंग खत्म होने के बाद हमें स्लाइड से नीचे जाना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जॉर्ज। पता नहीं इन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, कहीं ये खो तो नहीं गए। तुमको कैसा लगा? फन हाउस तो काफी मजेदार था। बहुत बढ़िया, सभी को फन हाउस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फन हाउस वाकई। आइसक्रीम शॉप में आपका स्वागत है। आज बहुत गर्मी है, इसलिए पेपा और जॉर्ज आइसक्रीम शॉप खेल रहे हैं। ये लीजिए मिस्टर डैडी पिग। शुक्रिया। आप क्या लेना चाहेंगे मिसेज मम्मी पिग? मुझे चाहिए एक बनाना स्प्लिट प्लीज। अरे वाह, बनाना स्प्लिट क्या होता है ग्रैनी? ये एक तरह की मिठाई है। सबसे पहले हम एक केले को आधा काटते हैं। उसके बाद हम आइसक्रीम, चेरी और व्हिप्ड क्रीम को मिलाते हैं। जॉर्ज को आइसक्रीम डालना पसंद है। संभल के केले को कुचल मत देना। और पेपा को व्हिप्ड क्रीम डालना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर चेरी रखना मत भूलना। ये रहा आपका बनाना स्प्लिट मिसेज मम्मी पिग। ये तो जायकेदार लग रहा है। प्लीज, क्या मुझे निकर बॉकर ग्लोरी मिल सकती है? एक नौके नौरी, वो क्या होती है मैडम? ये एक तरह की आइसक्रीम संडे है। क्या आप इन्हें केवल संडे को ही खा सकते हैं? उस तरह का संडे नहीं, ये आप कभी भी खा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ।
हमें चाहिए आइसक्रीम, फ्रूट, मरेंग और क्रीम। पेपा और जॉर्ज ये सारी चीजें ग्लास में डाल देते हैं और अब आप टॉप को सजा सकते हैं। फिर उसे सजाया जाता है वेफर्स, रंगीन स्प्रिंकल्स और सॉस डालकर। लीजिए, हो गया मैडम। ये तो गजब का लग रहा है। अब जब सबको आइसक्रीम मिल गई है तो आप दोनों किस तरह की आइसक्रीम पसंद करेंगे? एक रेनबो जैसी। रेनबो। पेपा और जॉर्ज खूब सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। गुलाबी स्ट्रॉबेरी के लिए, ब्राउन चॉकलेट के लिए, पीला बनाना के लिए। फिर वो अपनी टॉपिंग्स लगाते हैं। चलो इन सबको मिला देते हैं। पेपा और जॉर्ज ने सारे रंग एक साथ मिला दिए हैं। हमने तो कीचड़ भरा गड्ढा बना दिया। ये रेनबो आइसक्रीम नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे पास अब और आइसक्रीम नहीं बची है। हमारे पास है तो बस वेनिला। मुझे बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को खास आइसक्रीम्स बनाना अच्छा लगता है, पर वेनिला आइसक्रीम उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आज पेपा और उसके दोस्त एक खास तरह के एडवेंचर पार्क में आए हैं। एडमिन करो भी, तुम कर सकते हो। ये वाकई मजेदार है। बहुत बढ़िया एडमिन। इस कमरे में बैलेंस बीम है। तुम्हें बॉल पिट में गिरे बिना इसे पार करना होगा। अगर तुम सब एक टीम की तरह काम करोगे तो बिना इस बॉल पिट में गिरे इसे पार भी कर लोगे। मैं अच्छी तरह से बैलेंस बना लेती हूँ। मेरे पीछे आओ। अब जॉर्ज, पेपा और एडमिन एलिफेंट को बैलेंस बीम पार करना होगा। लेकिन एडमिन को बैलेंस बीम थोड़ी सी मुश्किल भरी लग रही है। किनारों से होकर जाने की कोशिश करो एडमिन, हम मिलकर कर सकते हैं। सभी ने इस बैलेंस बीम को पार कर लिया है। अब उन्हें इस कमरे को झूल कर पार करना होगा। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। ये पाके झूले की जैसा ही है एमिली, इसे देखो। पेपा झूला झूलने में काफी माहिर है। हुरे, कसकर पकड़ लो जॉर्ज। अब तुम करो एडमिन। लेकिन एडमिन एलिफेंट को ये करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्यों ना एडमिन हम साथ मिलकर एक टीम की तरह जाएं? बढ़िया आइडिया है। हमने कर दिखाया। शुक्रिया एमिली। सभी ने इस बड़े झूले को पार कर लिया है। सभी ने बढ़िया टीम वर्क किया। एक और कमरा बाकी है। ये आखिरी कमरा है, लेकिन बॉल पिट को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। हम इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते। यहाँ झूलने के लिए कुछ नहीं है। ये कमरा एक पहेली की तरह है। कोई नहीं जानता इस पहेली को कैसे सुलझाना है और पार जाना है। मैं समझ गया। लेकिन एडमिन एलिफेंट पहेलियाँ सुलझाने में माहिर है। देखा, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सभी ने इस एडवेंचर पार्क की चीजों को कर दिखाया है। बहुत बुद्धिमानी भरी चीज की है एडमिन। और एडमिन एलिफेंट इन सभी चीजों को फिर से करने का बेसब्री से इंतजार। आज प्ले ग्रुप के लिए मैडम गजेल एक खास सरप्राइज लाई है। हाय रे। क्या फिर से हैलोवीन है? मैं एक जादूगर बनने जा रहा हूँ। मैं बनने जा रही हूँ एक पेड़। स्क्वीक। और मैं बनूंगी जादूगर का जादुई पेड़। नहीं बच्चों,
कद्दू सिर्फ हैलोवीन का जश्न मनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, वो अमेरिका की एक खास छुट्टी मनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो है थैंक्सगिविंग। हाँ? क्या मैं अभी भी थैंक्सगिविंग के लिए जादूगर का जादुई पेड़ बन सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। थैंक्सगिविंग पर लोग और भी चीजें करते हैं, जैसे बकरी के सींग जैसा सजावटी डिब्बा बनाना। सजावटी डिब्बा? कितना अजीब सा लगता है। सजावटी डिब्बा, ये सींग के आकार की टोकरी होती है जिसमें पतझड़ के मौसम में उगने वाले फल और सब्जियां रखी जाती हैं। हम खुद की एक टोकरी तैयार करते हैं। शुक्रिया। मैं ताजे फल और सब्जियों के लिए वाकई शुक्रगुजार हूँ। एक कहानी में तो यहाँ तक कहा गया है कि सजावटी डिब्बा जादू से अपने आप को भर सकता है। ऐसा है क्या? वो खुद ब खुद भर जाता है? अफसोस ऐसा नहीं है। प्लेग्रुप के सारे बच्चे उन चीजों से अपना थैंक्सगिविंग सजावटी डिब्बा बना रहे हैं जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। मैं बलूत के फल और कद्दू के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं इसमें रखूंगी ये चॉकलेट बार अपने लंच बॉक्स से। मुझे चॉकलेट बार पसंद है। ओ, शायद बस एक बाइट। ओ, वैसे सबसे बढ़िया चीज रैपर ही है। लगभग हो ही गया था। आप सब ने एक सुंदर सजावटी डिब्बा बनाया है। अब घर का समय है और पेपा मम्मी पिग और डैडी पिग को दिखा रही है कि आज उसने क्या सीखा। ये एक सजावटी डिब्बा है, ये थैंक्सगिविंग का भाग है और ये हमें मिलने वाले सारे लजीज खाने के लिए शुक्रगुजार होने की याद दिलाता है। वाकई प्यारा है। लेकिन इस सजावटी डिब्बे को देखकर मेरे पेट को याद आया कि उसे कितनी भूख लगी है। हेलो आप सभी को। आज पेपा और उसकी फैमिली मैडम गजेल के बैंड द रॉकिंग गजेल्स के एक संगीत कार्यक्रम में आई हुई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। अरे बाप रे, जनरल जिराफ भी अपने डैडी के कंधों पर बैठा है और बाकी लोग इस वजह से देख नहीं पा रहे हैं। हाय पापा, हाय जोज। जनरल और उसके पिता किनारे चले गए हैं, इसीलिए अब सभी देख पा रहे हैं। चलो 1 and 2 and 1 2 3 4। सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा है। पापा और डैडी पे वाकई संगीत के मजे ले रहे हैं। मजा आ रहा है ना पापा? हाँ, क्या तुम्हें मजा आ रहा है जॉर्ज? पापा और डैडी पिग गलती से भीड़ भाड़ के बीचों बीच पहुंच गए हैं। हम जल्द ही आकर आपको ढूंढ लेंगे मम्मी पिग। मैंने कहा हम आपको ढूंढ लेंगे। अरे इतनी भीड़ में कहाँ घूम लेंगे? मजे करो जॉर्ज। सभी डांस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नाचते हुए लोगों से भरे स्विमिंग पूल में खड़े हो। ओ, 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 ओ। यहाँ कुछ हवादार बीच बॉल्स भी है। पकड़ लिया। बहुत बढ़िया पापा। शुक्रिया शुक्रिया। माफ कीजिए मिस्टर बुल, माफ कीजिए मैडम गजेल। कोई बात नहीं, ऐसा सब तो होते रहता है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है पॉप म्यूजिक। दरअसल इससे तो मुझे अपने अगले गाने की याद आ गई। 1 2 3 4। पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले, पॉपिंग बुलबुले, पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले, सारा दिन पॉप करेंगे। पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले, पॉपिंग बुलबुले,
पॉप करेंगे। आपने हमें ढूंढ लिया। मम्मी और जॉर्ज पिग भी नाचते नाचते भीड़ भड़क के आगे आ गए हैं। मैडम गजेल ने पेपा और उसकी फैमिली को उनके साथ स्टेज पर गाने के लिए बुला लिया है। सभी को मैडम गजेल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और सभी को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बोलर के लिए। आज सूजी शीप एक बोलिंग पार्टी कर रही है। मैं भी सुपर स्ट्राइक लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कैसे करना है, मैं कई बार बोलिंग कर चुकी हूँ। फिर तुम सबको बताओ कि इसे कैसे करते हैं पापा। ठीक है, हमें स्कोरबोर्ड के लिए अपनी तस्वीरें लेने चाहिए। बस कैमरे के सामने आओ और कहो चीज। बढ़िया, ये है आपकी बोलिंग लेन। अब बोलिंग करने के लिए बॉल चुने, फिर उसे सीधे आगे फेंके, ऐसे। मैं भी कोशिश करने वाली हूँ। मुझे पसंद आया ये वाला। गुलाबी गेंद काफी भारी है। इसकी जगह इसे आजमाओ, ये हल्की है। अरे बाप रे, किसने अपनी बॉल घुमा दी? अरे नहीं, अब मैं कोशिश करता हूँ। पेड्रो पोनी की बॉल लेन के बगल वाले गटर में चली गई है। अरे रे, मेरी बारी। सूजी शीप, पेड्रो पोनी और जेरल जिराफ को अभी तक समझ नहीं आया कि बोलिंग कैसे करनी है। परेशान मत हो, हमें खेलने के लिए और अच्छा तरीका खोजना होगा। तुम लोग बैरियर के साथ कोशिश क्यों नहीं करते? ये खेलने का एक मजेदार तरीका है। लेकिन मैं अपनी बॉलिंग बॉल को उछालना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, बॉल को एक सीधी लाइन में जाने के लिए तुम रैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मजेदार है। पेपा और उसके दोस्त अपने तरीके से बोलिंग करके काफी मजे ले रहे हैं। पर सूजी शीप अब भी सुपर स्ट्राइक करना चाहती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आखिरी बॉल है। गुड लक। इसे देखो। सूजी शीप पीछे से बोलिंग कर रही है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बोलर के लिए। सूजी शीप ने सुपर स्ट्राइक की है। सूजी शीप को बोलिंग बहुत पसंद है। सभी को बोलिंग बहुत पसंद है। लगभग कर ही लिया था। पेपा पिन्याटा को खोलने की और अंदर से चीजें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आज पेपा का प्ले ग्रुप एक मेक्सिकन छुट्टी के बारे में सीख रहा है, जिसका नाम है सिंको डे मायो। अरे बच्चों, क्लासरूम को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए हमें और ज्यादा सजावट करनी होगी। तो चलो पॉम पॉम फूल बनाते हैं। पॉम पॉम, मैं, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। पॉम 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 पॉम। बस कार्डबोर्ड की टहनी को टिश्यू पेपर के बॉल के बीच में लगा दो और हो गया। मैं ये फूल बना नहीं पा रही। मैं मदद करती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। ओह डियर। सभी ने बहुत सारे पॉम पॉम फूल बनाए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं बना दिए। बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्लासरूम है बहुत
ज्यादा खुशनुमा। अगली चीज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट गुआकामोल। गुआकामोल? गुआकामोल ये मैक्सिकन ट्रीट बनती है एवोकाडो से, और हम इसे गाजर या ककड़ी या टोर्टियाज नाम की खास क्रिस्प के साथ खाते हैं। गुआकामोल मैडम गजेल एवोकाडो छील रही है और कटोरे में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिला रही है। अब हमें इनको एक साथ मसलना होगा। गुआकामोल, क्या कोई थोड़ा सा गुआकामोल चखना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वादिष्ट। यम्मी गुआकामोले, यम्मी गुआकामोले। बढ़िया पेपा, सिंको डी मायो का जश्न मनाने का एक और तरीका है गाना गाना। यम्मी गुआकामोले, यम्मी गुआकामोले, यम्मी गुआकामोले। और डांस करना एक खास हिस्सा है सिंको डी मायो का। पेपा ने पिन्याटा पर निशाना लगाया और खूब सारी मिठाइयाँ बरसने लगी। पेपा अपने पहले सिंको डी मायो के मजे ले रही है और उसे डांस करने में बहुत मजा। आज पेपा और उसकी फैमिली लंदन आए हैं देखने सुपर पोटैटो द म्यूजिकल। अरे बाप रे, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शो की शुरुआत मिस कर देंगे। ओहो, हम सब भीग जाएंगे। परेशान मत हो, हम चलने के बजाय अंडरग्राउंड ट्रेन ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन जमीन के नीचे चलती है, जमीन के नीचे बारिश नहीं होती। यहाँ पर रंगीन मैप दिया गया है जिसे पता चलता है कि सभी ट्रेन कहाँ जाती है। ये स्पगेटी जैसा लगता है। तो हम अभी यहाँ है और हमें जाना है यहाँ। हम पहले नीली ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद लाल ट्रेन लेते हैं। हाँ, बहुत खूब पेपा, चलो चले। सबसे पहले पेपा को टिकट बैरियर से अपना टिकट चेक करवाना होगा। शुक्रिया टिकट रोबोट, मैं फंस गई हूँ। वही रुको पेपा, मैं तुम्हें निकालती हूँ। शुक्रिया मिस रैबिट। इस तरफ पेपा, सभी नीली लाइन को फॉलो करो। मैं भी अटक गया हूँ। ट्रेन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। सभी जल्दी में क्यों है? ये सब जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में ही रहते हैं। चलो चलते हैं, संभल कर कदम रखना। सभी को हेलो, लो ट्रेन में आपका स्वागत है, दरवाजे पे ध्यान दें। रुको पेपा, अंडरग्राउंड ट्रेन काफी हिलती डुलती है। आपके बाईं ओर अंडरग्राउंड देखेंगे और आपके दाईं ओर आप और भी ज्यादा अंडरग्राउंड देखेंगे। लाल ट्रेन के लिए आप यहाँ उतरें। लाल ट्रेन आ गए हम। अपना कदम आगे रखो जॉर्ज। सभी कसकर पकड़ो। हम यहाँ है। शो तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, शायद हम शुरुआत मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको सुपर पोटैटो द म्यूजिकल के लिए टाइम पे पहुंचाऊंगा, वरना मेरा नाम नहीं सुपर पोटैटो। बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, बड़े स्टार के लिए रास्ता बनाओ। थैंक यू, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगा। सुपर पोटैटो भी जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में हैं।
आज पेपा के प्लेग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है। क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है। कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है। डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव! ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा। अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। वाव, पेपा! पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक। और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। अरे वाह! बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक डे पसंद आता है। सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। आज पेपा और जॉर्ज कुछ पुराने बक्से साफ करने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। ये क्या है डैडी? ये मेरा पुराना भरोसेमंद कैमरा है पेपा। तस्वीर लेने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है और इससे फोटो प्रिंट हो जाती है। देखो, मैं देख पा रही हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? बोलो चीज। चीज। अब पेपा कैमरे से तस्वीरें ले रही है। ये कैमरा वाकई मजेदार है। मजे करो, लेकिन फोटो पेपर ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करना। जॉर्ज को बहुत सारी तस्वीरें लेने में मजा आता है। अरे बाप रे, लगता है फोटो पेपर तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना इसकी जगह मेरे फोन के कैमरे का इस्तेमाल करें? इससे किसी भी फोटो में फिल्टर भी लगाया जा सकता है। डैडी पिग के फोन के कैमरे से जॉर्ज को नकली मूछें लगा दी गई हैं। आओ जॉर्ज, चलो और तस्वीरें लेते हैं। पेपा और जॉर्ज को तस्वीरें लेने में बहुत मजा आ रहा है। फोन के कैमरे ने मम्मी पिग पर फूलों वाला फिल्टर लगा दिया है। बोलो चीज। और ग्रैंडपा पिग को फिल्टर से बहुत अच्छी टोपी लगा दी गई है। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग और ज्यादा तस्वीरें लेने के लिए पार्क में आ गए हैं। हेलो मिस्टर और मिसेस चिड़िया।
बोलो चीज मिस्टर बोल। कितना मजेदार फोटो है। डैडी पिग बतखों के पास पेपा और जॉर्ज के साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। सभी लोग चीज कहना। एक दो तीन चीज। पेपा और जॉर्ज दिन भर ली गई सारी फोटोज को एक स्क्रैप बुक में चिपका रहे हैं। ये वाला देखो जॉर्ज। लेकिन कुछ फोटोज धुंधली है। ये जरूरी नहीं कि फोटोज बेहतरीन हो, जरूरी ये है कि वो बस आपको प्यारे से दिन की याद दिलाए। सभी को फोटोज लेना बहुत अच्छा लगता है और आज सभी का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। आज पेपा और जॉर्ज बड़ों की तरह बनने का खेल खेल रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, मेरी बैग और मेरी टोपी कहाँ है? हम काम पर जा रहे हैं मम्मी। ओह, तो बताओ तुम्हें बड़े होकर कौन सा काम करना अच्छा लगेगा? डायनासोर। जॉर्ज डायनासोर बनना चाहता है। मुझे लगता है कि दांतों का डॉक्टर बनने में मजा आएगा। फिर मैं इस बात को पक्का करूंगी कि सभी लोगों के दांत अच्छे और स्वस्थ है। दिलचस्प। आपको ठीक लग रहा है? मम्मी, आपके तो काफी दांत साफ है। इतना बहादुर होने के लिए ये रहा आपका स्टिकर। अपने दांत ब्रश करना मत भूलना। अब किसकी बारी है? अजीब सा जॉर्ज, डायनासोर दांतों के डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो जानवरों के डॉक्टर डॉक्टर हैमस्टर के पास जाते हैं। लेकिन वैसे आपको भी स्टिकर मिल सकता है। मुझे लगता है कि तुम दांतों के काफी बेहतरीन डॉक्टर बनोगे। और तुम एक बेहतरीन डायनासोर बनोगे जॉर्ज। लेकिन मैं बनना चाहूंगी एक बस ड्राइवर भी। फिर मैं अपने सभी दोस्तों को पार्क में ले जा सकती हूँ। कृपया टिकट दे। अगला पड़ाव पार्क। रुको, तुम हमें भूल गए। अगर तुम बस ड्राइवर बनना चाहती हो तो तुम्हें हर एक स्टॉप पर अपनी बस रोकनी होगी पेपा। उफ, माफ करना। मुझे लगता है कि तुम एक शानदार बस ड्राइवर बनोगी पेपा। लेकिन मैं सिर्फ दांतों की डॉक्टर और बस ड्राइवर नहीं बनना चाहती, मैं बनना चाहती हूँ टीचर भी। फिर मैं सबको पेंटिंग करना सिखाऊंगी। आप इस तरह हाथ के निशान को इस्तेमाल करके तितली बना सकते हैं। डायनासोर स्कूल नहीं जाते जॉर्ज। शायद तुम डायनासोर के लिए कोई स्कूल खोल सकती हो। लेकिन बड़े होकर तो मैं कीचड़ भरे मिट्टी वाले गड्ढे में कूदना चाहती हूँ और जॉर्ज डायनासोर बन सकता है। और उन्हें हमेशा कीचड़ भरे गड्ढों में कूदना अच्छा लगेगा, चाहे वो बड़े हो जाए या डायनासोर बन जाए। आज पेपा के भेग रूप में एक काफी खास सीख दी जा रही है। आज हम 4 जुलाई के बारे में सीख रहे हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र दिवस क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन है जब अमेरिकी अपने देश की पसंदीदा चीजों के बारे में जश्न मनाते हैं। और आज आ रहे हैं हमारे एक खास मेहमान। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मिस्टर बुल अभी अभी अमेरिका से छुट्टी मनाकर लौटे हैं और वो वहाँ की अपनी कुछ पसंदीदा चीजों के बारे में बताने वाले हैं। चलिए अमेरिकी पार्टी से शुरुआत करते हैं जिसे कहते हैं कुकआउट। हम सब मिलकर मेरे नए बारबेक्यू में खाना बना सकते हैं। मैं बनूंगा ग्रिल मास्टर। मिस्टर बुल का बारबेक्यू बहुत बड़ा है। ओ,
धन्यवाद मिस्टर बुल, लेकिन हमारा बारबेक्यू बाद में इस्तेमाल होगा और वो भी बाहर। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे ड्रेस अप। पेपा और उसके दोस्त अमेरिकी झंडों के रंगों का ड्रेस अप कर रहे हैं, लाल, सफेद और नीला। ग्रिल मास्टर और उसका बारबेक्यू दोनों ही तैयार है। समय हो गया क्या? नहीं मिस्टर बुल, सबसे पहले हमें सजावट करनी होगी। ओह, बेशक, मैं ग्रिल पर वापस जाता हूँ। उसके बाद सभी लाल, सफेद और नीले रंग की सजावटी चीजें लटका रहे हैं। अब पेपा और उसके दोस्त एक अमेरिकी झंडा बना रहे हैं। अमेरिका के झंडे में कितने स्टार्स होते हैं? बहुत बहुत सारे। ये तो बहुत बहुत सारे स्टार्स हैं बच्चों। अमेरिकी झंडे में होते हैं 50 स्टार्स, हर राज्य के लिए एक स्टार। क्या अब बारबेक्यू का समय हो गया? हाँ, समय हो गया है। मिस्टर बुल अपने बारबेक्यू का इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्साहित है। उम्मीद है आप असली अमेरिकी बारबेक्यू के लिए तैयार हैं। लेकिन बारबेक्यू में सारा खाना जल गया है। अब हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक ग्रिल मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ एक जायकेदार ऑल अमेरिकन एप्पल पाई मास्टर भी। मुझे एप्पल पाई बहुत पसंद है। ये एकदम अमेरिकन भोजन है, खास तौर पर पटाखों के साथ। सभी को जलते पटाखे और एप्पल पाई बहुत पसंद आते हैं, खास तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर। पेपा और उसकी फैमिली ने सुपरमार्केट से बहुत सारा खाना खरीदा है और अब उनके पेट में काफी गुड़गुड़ाहट हो रही है। डिनर में क्या है? मेरे पेट से काफी आवाजें आ रही हैं। आज रात हम बनाने वाले हैं टैको। क्या होता है टैको और इसे कैसे बनाते हैं? ये जायकेदार खाना है मेक्सिको का, और टैकोस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब साथ मिलकर बनाएं। पेपा, जॉर्ज और मम्मी पिग अपने टैकोस बनाने के लिए सब्जियों को धो रहे हैं। हमें ख्याल रखना है कि सब्जियां अच्छी तरह से साफ हो गई हो। छप छप छपाक छप, सब्जियां कर लो साफ। छप छप छपाक छप, सब्जियां कर लो साफ। अब पेपा और मम्मी पिग भी धुल के साफ सुथरे हो गए हैं। सब्जियां साफ हो गई है, अब हम सावधानी से प्याज काट सकते हैं। ये लीजिए डैडी। क्या हुआ डैडी, क्या आपको प्याज पसंद नहीं है? ओ, चिंता मत करो पेपा, प्याज के रस से कभी कभी आंखों में पानी आ जाता है। मुझे बस अपनी आंखों को ढकने के लिए कुछ चाहिए। मुझे पता है। पेपा अपनी आंखों को प्याज से बचाने का सही तरीका जानती है। ये बेहतरीन है पेपा। फिर से प्याज डैडी पिग। अब हम थोड़ी से गुआकामोल बनाएंगे। अरे वाह, मुझे गुआकामोल पसंद है। तो फिर तुम एवोकाडो को मैश कर सकती हो पेपा। पेपा को एवोकाडो को मैश करना अच्छा लगता है, इसमें उथल पुथल करने में बहुत मजा आता है। शायद आराम से कोशिश करनी चाहिए पेपा। बढ़िया, अब चलो हम बाकी चीजों को मिलाते हैं। और सबसे खास बात, नींबू को निचोड़ कर मिलाते हैं। ठीक है जॉर्ज, तुम ये खास काम कर सकते हो। ओह, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने सुरक्षा चश्मे पहने हुए। सब सामग्री तैयार हो चुकी है, अब समय है इनसे टैकोस बनाने का। अब सबसे ज्यादा मजेदार बात, अपना टॉर्टिया लें कुछ इस तरह, और अब अपनी पसंदीदा चीजें डालो। पेपा को बहुत सारा गुआकामोली से भरा टैकोस पसंद है। जॉर्ज को अपने टैकोस में कुछ भी नहीं पसंद है। मम्मी और डैडी पिग को अपने टैकोस में सब कुछ पसंद है। सभी को टैकोस बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।
लेकिन सभी की फीलिंग गिर गई है। अरे वाह, अब हम इन सबको फिर से एक साथ डाल सकते हैं। मैडम गिज़ेल, क्या ज्वालामुखी असली है? वो असली है। लेकिन परेशान मत हो बच्चों, यहाँ आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है। अरे वाह! सिर्फ ये झूठी मूठी वाले छोड़कर, जो कि हम खास विज्ञान का प्रयोग करके बनाएंगे। हम अपने ज्वालामुखी को गोंद और अखबार से बनाएंगे। ऐसे पहले सब लोग कागज को गोंद में डुबाओ और फिर उसे बीकर पर चिपका दो। लो बन गया एक ज्वालामुखी। सभी अपने ज्वालामुखी को बनाने का आनंद ले रहे हैं। गोंद बहुत चिपचिपा और गंदा है और जल्द ही उन सब ने बना लिया है। खूब बच्चों, अब इन्हें पेंट करने का समय आ गया है। मैं चलो अपने वाले को लाल बनाते हैं। पापा, हम नीला बना सकते हैं। हरा, एक बड़े पेड़ जैसा। असली ज्वालामुखी गहरे और भूरे रंग के होते हैं, जिसमें लाल लावा होता है। लेकिन पेपा और उसके दोस्त अपने छोटे छोटे ज्वालामुखी को चमकदार और रंगीन बना रहे हैं। अब समय है विज्ञान के प्रयोग का। लेकिन सबसे पहले सभी को खास दस्ताने, चश्मा और कोट पहनना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहे। तुम सब लोग गजब के वैज्ञानिक लग रहे हो बच्चों। अब हम बनाने वाले हैं लावा। लेकिन चिंता ना करो, हम जो लावा बनाएंगे वो झूठ मूठ का है और सुरक्षित है। पहले हम ज्वालामुखी में थोड़ा सिरका मिलाएंगे, संभाल के ये छलके ना। बढ़िया। और अब एक सीक्रेट जादुई सामग्री मैं तुम सभी के ज्वालामुखी में डालूंगी। किसी को नहीं पता कि ये विशेष जादुई सामग्री आखिर है क्या। और अब अपने कप से बेकिंग सोडा लो और अपने अपने ज्वालामुखी में डाल दो, फिर पीछे हट जाओ। मैडम गजेल का ज्वालामुखी फूट रहा है, बिल्कुल असली ज्वालामुखी की तरह। तुम्हारी बारी बच्चों। वाह, लावा लाल रंग का है। हमारा वाला नीला है। कैंडी कैट और जेरल जिराफ का लावा हरा है और काफी झागदार है। काफी ज्यादा लावा बना दिया है। नहीं कैंडी, तुमने कीचड़ वाला गड्ढा बनाया है। सभी को ज्वालामुखी बनाना अच्छा लगता है, लेकिन सभी को वाकई रंगीन मैला पोखर बनाना बहुत अच्छा लगता है। डिनर का समय हो गया है, लेकिन डिनर जल गया है। अरे बाप रे, क्या हम अभी भी इसे खा सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें टेक अवे से खुद को दावत देनी चाहिए। हम चुनते हैं कि हमें कैसा खाना पसंद है और ये हमारे घर तक डिलीवर किया जाता है। यहाँ चाइनीज टेक अवे है, इंडियन टेक अवे है और सुशी है। क्या हम इसे मंगवा सकते हैं? पेपा चाइनीज टेक अवे ऑर्डर करना चाहती है। चलो ये ले और ये। और भूलना नहीं वो खास सरप्राइज। पेपा और उसकी फैमिली ने खूब सारा जायकेदार खाना ऑर्डर किया है। ये अब क्या होगा? वैसे पहले रेस्टोरेंट को खाना बनाना पड़ता है और फिर वो उसे डिलीवर करते हैं। लेकिन वो कैसे जानेंगे कि हम कहाँ रहते हैं? जब हमने टेक अवे ऑर्डर कर दिया तब मैंने उन्हें अपना पता दिया था। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचेगा? मिस रैबिट इसे अपनी बाइक पर लाएंगी। ओ देखो, वो बस पहुँचने वाली है। चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। पेपा और जॉर्ज गलत दरवाजे पर चले गए हैं। ये रहा तुम्हारा टेक अवे पेपा, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। मैं चलती हूँ, बहुत सारा खाना डिलीवर करना है। चावल, नूडल्स,
वेजिटेबल रोल्स और उसके बाद मिलेगा एक खास सरप्राइज। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि ये खास सरप्राइज क्या है। मुझे चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे अपने मसालेदार नूडल्स पसंद है, ये मेरे फेवरेट है। वो मेरे पसंदीदा भी हो सकते हैं। क्या मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, पर पहले थोड़ा सा लेना। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है, लेकिन वो थोड़ी सी तीखे लग रहे हैं। पेपा को मसालेदार नूडल्स ज्यादा पसंद नहीं आए। ये लो, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल ट्राई करो। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल मेरे पसंदीदा है। पेपा और उसकी फैमिली ने अपना चाइनीज टेक अवे खत्म कर लिया है। क्या अब तुम खास सरप्राइज के लिए तैयार हो? अरे इन्हें कहते हैं फॉर्च्यून कुकीज। इनके अंदर होता है गुड लक लाने वाला एक खास मैसेज। इस गुड लक का स्वाद लाजवाब है। पेपा को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। सभी को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। पेपा और उसके प्ले ग्रुप ने मनोरंजक दौड़ का आयोजन किया है ताकि वो पैसे जुटा सके स्कूल की नई घंटी के लिए। क्या सभी दौड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार है। On your marks, get set, go! अरे बाप रे, बारिश शुरू हो गई है और कोई भी बारिश में दौड़ना नहीं चाहता। क्या हमें दौड़ किसी और दिन लगानी चाहिए जब इतने बादल और बारिश ना हो? बस पेपा को छोड़कर। लेकिन बारिश में तो ये दौड़ और भी मजेदार हो जाएगी। इतनी सारी कीचड़ भरे गड्ढे बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ऑन योर मार्क्स, फिर से गेट सेट, फिर से गो, फिर से। बारिश की वजह से रनिंग ट्रैक पर पानी से भरा एक गड्ढा बन गया है, लेकिन रिबेका रैबिट छलांग लगाने में माहिर है। मैंने कर लिया। माफ करना रिबेका। कोई बात नहीं पेपा। चलो तुम दोनों, अभी तो दौड़ बहुत लंबी है। हवा की वजह से सूजी और मम्मी शीप को पहाड़ चढ़ने में मुश्किल हो रही है। हवा बहुत तेज चल रही है और पहाड़ी पर काफी सारी फिसलन है। मुझे पता है। एमिली एलिफेंट अपनी सूंड से चीजों को अच्छी तरह से खींच सकती है। नीचे वाले रास्ते पर काफी कीचड़ लग रहा है। हाँ, तो नीचे फिसलने में बहुत मजा आएगा। और पेपा कीचड़ में काफी अच्छी तरह से फिसलना जानती है। पेपा और डैडी पिग बड़े बड़े पेड़ों के पास आ गए हैं। दौड़ को पूरी करने के लिए सभी को निचली शाखाओं के नीचे से रेंग कर जाना होगा। हो, ये मजेदार लग रहा है। सभी फिनिश लाइन पर पहुंच चुके हैं। हमने काफी पैसे जुटा लिए हैं स्कूल की घंटी ठीक करने के लिए। मिस्टर बुल इसे कल ठीक कर देंगे। क्या आपको मजा आया डैडी? डैडी, सभी को बारिश में दौड़ना अच्छा लगता है। चलो पेपा फिर से दौड़ते हैं। लेकिन डैडी पिग को बारिश में दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। पेपा और उसके दोस्त पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। हैंडबॉल, ये नियम के खिलाफ है। अरे मिस रैबिट, आप सीटी क्यों बजा रही हैं और उन कार्ड्स का क्या मतलब है? मैं रेफरी हूँ, मैं ध्यान अपनी ओर लाने के लिए सीटी बजाती हूँ। अगर कोई गलती करता है
तो मैं उसे पीला कार्ड देती हूँ, और अगर कोई उल्टे सीधे काम करता है तो मैं उसे देती हूँ लाल कार्ड। ओह, क्या मैं रेफरी बन सकती हूँ? बेशक। अब पेपा रेफरी है। क्या हुआ पेपा? आपने बॉल पर बहुत तेजी से किक मारी है, मैंडी चौक गई। लेकिन ये नियमों के खिलाफ नहीं है। मैं अब रेफरी हूँ डैडी, तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा है। अरे बाप रे, पेपा को रेफरी बनना पसंद है और उसे सीटी बजाना बहुत पसंद है। आपने अपने जूते की फीते नहीं बांधे हैं। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं। आप लगभग उस प्यारे से फूल को लात मारने ही वाले थे। पेपा सीटी बजाने की सारी वजह तलाश रही है। आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। आप बहुत ऊंचाई पर झूल रहे हैं। आपकी आइसक्रीम कितनी पिघल रही है देखकर। क्या अब हम चले? मुझे भी किक करना है। डैडी पिग और मिस रैबिट नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। रेफरी! ये बतख कितनी प्यारी है। रेफरी पेपा! पेपा को इतना मजा आ रहा है कि वो फुटबॉल मैच के बारे में एकदम भूल ही गई है। डैडी, इस तरह से फुटबॉल नहीं खेलते। आप थोड़ी अजीब सी चीजें कर रहे हैं। इसके लिए अब मैं आपको लाल कार्ड देने वाली हूँ। सॉरी पेपा, लेकिन मुझे लगता है हम कुछ ज्यादा ही कर गए। ठीक है डैडी, लेकिन मुझे लगता है कि अब रेफरी बनने की बारी आपकी है। और ऐसे खेलते हैं शफल बोर्ड। मेरा पक बॉटम पर था, इसीलिए मुझे एक पॉइंट मिलता है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली शफल बोर्ड खेलना सीख रहे हैं। अब ग्रैंडपा पिग या तो मेरे पग को नॉक करके हटा सकते हैं, या अपना पग ट्रायंगल में स्लाइड करके पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। चलो इसे आजमाते हैं। ग्रैंडपा पिग ने ग्रैनी पिग के पग को जॉर्ज की रेत में नॉक कर दिया है। मुझे मिले हैं 2 पॉइंट्स। क्या मैं इस बार कोशिश करूं? हाँ, इस स्टिक से पग को ट्रायंगल की तरफ पुश करो। ये तो ज्यादा नहीं घूमा। तुम दौड़कर शुरुआत करने की कोशिश क्यों नहीं करती? बढ़िया आइडिया है। पेपा दूर से दौड़ते हुए आ रही है, लेकिन रेत में बहुत फिसलन है। मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये मजे करने के लिए है, पॉइंट्स के बारे में मत सोचो। वैसे भी पहली बार में किसी को भी महारत हासिल नहीं होती। शाबाश जॉर्ज, मुझे बस कोशिश नहीं छोड़नी है। पेपा पग को स्लाइड करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रही है। मेरी आइसक्रीम। लेकिन किसी भी चीज से बात नहीं बन रही है। चलो शुक्र है, मेरी आइसक्रीम कौन तो बच गई इस बार। अरे बाप रे, मेरी बारी पेपा। ठीक है, ये लो ग्रानी। ग्रैनी के पग ने पेपा के पग को ट्रायंगल में पुश कर दिया है। मुझे 3 पॉइंट्स मिले।
अरे वाह! पेपा प्रैक्टिस करने के लिए काफी उत्साहित हो रही है, लेकिन खेलने के लिए कोई पक नहीं बचा है। जॉर्ज ने सारे पक से अपने रेत का किला बना लिया है। सभी को शफल बोर्ड खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जॉर्ज को रेत के किले बनाना और भी अच्छा लगता है। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। क्या तुमने फैसला कर लिया है कि दान में क्या क्या देना है? हाँ, ये सब। आज पेपा अपने कुछ कपड़े और खिलौने दान वाली दुकान में देने जा रही है। इसे दान करना कहते हैं। चलो चलते हैं। दान वाली दुकान दान में दी गई चीजों को बेचती है और उस पैसे से लोगों की मदद करती है। बहुत बढ़िया। क्या तुम इन्हें बेचने में मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं मदद करूंगी खरीदारी करके। पेपा इस बात के लिए काफी उत्साहित है कि लोग उसकी पुरानी चीजें खरीदें। लेकिन कोई इन्हें खरीद नहीं रहा है। मेरे दान की गई कोई भी चीज कोई नहीं खरीद रहा मिस रैबिट। कोई बात नहीं है, हमें बस लोगों को ये बताना है कि ये चीजें खरीदने के लिए हैं। ऐसे क्या आपको खरगोश वाला खिलौना अच्छा लगता है पुलिस ऑफिसर पांडा? जी हाँ। क्या आप इसे खरीदना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तुम कोशिश क्यों नहीं करती पेपा? मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है मम्मी। क्या आप ये जंपर खरीदना चाहोगी सूजी? ये काफी गर्म, ऊनी और राहत देने वाला है। हाँ प्लीज, मुझे ऊन काफी पसंद है। हेलो मिस रैबिट,
मुझे खेलों के शौकीन व्यक्ति के लिए उपहार की तलाश है। मुझे पता है। पकड़ो। ये एकदम सही है। धन्यवाद। अब पेपा अपने खिलौने वाला बस बेचना चाहती है, लेकिन उसे खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। मिस रैबिट, मम्मी को छोड़कर दुकान में कोई ही नहीं है। चलो इसे विंडो डिस्प्ले में रखते ताकि बाहर से सब इसे देख पाए। हाँ। हेलो, यहाँ देखिए, इस बस वाले खिलौनों को देखिए। क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? पेपा की आवाज दुकान के बाहर कोई नहीं सुन पा रहा। वो बड़ी असली वाली बस पेपा के छोटे से खिलौने वाली बस जैसी ही दिखती है। हमारे पास ऐसे ही बस है। हो सकता है कि ये कल बिक जाए पेपा। माफ कीजिए, ये बस वाला खिलौना बेचने के लिए है। हाँ क्यों नहीं, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? मुझे इसे खरीदने में खुशी होगी। मुझे सभी बसें पसंद है, बड़ी और छोटी। अरे वाह! पापा को दान वाली दुकान बहुत अच्छी लगती है। सभी को दान वाली दुकान बहुत अच्छी लगती है। पापा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है, पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है। परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बुल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा, और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है, आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा। किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे, लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है, क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पेपा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रैंडपा, जॉर्ज, आप कहाँ हो? आज पेपा जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग के साथ बगीचे में खेल रही है। वो शोर कैसा है? आपको ढूंढ लिया। पेपा को जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग एक झाड़ी में मिलते हैं। यहाँ
बहुत आरामदायक लग रहा है। हाँ, मुझे बचपन वाले बगीचे की मांद की याद आ गई। क्या हम बगीचे में मांद बना सकते हैं ग्रैंडपा? हाँ, बेशक। अरे वाह! बगीचे को मांद बनाने के लिए सभी ने बागवानी वाले खास दस्ताने और जूते पहने हुए हैं। पहले हमें इन स्पेड से गड्ढा खोदना होगा और खूब सारी लकड़ी और टहनियाँ लानी होगी। पेपा को ग्रैंडपा पिग के साथ गड्ढा खोदना बहुत अच्छा लगता है। शाबाश पेपा। और जॉर्ज को टहनियाँ इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है काफी टहनियाँ हो गई है। शाबाश जॉर्ज। अब ग्रैंडपा पिग छेद में टहनियों को ठोक रहे हैं। सभी पीछे खड़े हो जाओ। अंत में ग्रैंडपा पिग लकड़ी से छत बनाते हैं और पेपा और जॉर्ज ढेर सारे पत्तों से छत को ढक देते हैं। हमें पत्ते क्यों चाहिए ग्रैंडपा? उनसे मांद अच्छी और गर्म रहती है, सुरक्षित और बढ़िया लग रही है। शाबाश। अरे वाह! अंदर जाने से पहले हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पेपा। ग्रैंडपा पिग ने पेपा को एक खास बैकपैक दिया है। सभी अपनी नई बगीचे वाली मांद में बहुत खुश है। ग्रैंडपा, हम बगीचे के मांद में क्या करते हैं? मांद में मेरा पसंदीदा काम है पिकनिक मनाना। खास बैकपैक बगीचे के फलों से भरा हुआ है। पेपा और जॉर्ज को गार्डन डेन में पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है। पेपा, जॉर्ज, तुम कहाँ हो? आज पेपा और जॉर्ज ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। लगभग हो गया। पेपा पहली बार पिकनिक के पैकिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है। क्या तुम ठीक हो पेपा? ये सारे खिलौने पिकनिक के लिए ले जाने हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहे। क्या तुम्हें अपने सारे खिलौने चाहिए? समझ गई, मैं इनकी जगह बस टेडी को ले जाती हूँ। और डायनासोर। शानदार। अगर हम तुम्हारे सारे खिलौने ले जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। पिकनिक के लिए तुम कैसा खाना बनाना पसंद करोगी पेपा? ओह, चलो स्पगेटी बनाते हैं। मुझे स्पगेटी पसंद है। पिकनिक के लिए स्पगेटी उतना भी अच्छा खाना नहीं है। सैंडविच कैसा रहेगा? मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है। तुम्हें किस तरह का सैंडविच पसंद है? पेपा, जॉर्ज और ग्रैनी पिग जैम सैंडविचेस बना रही है। क्या हमें पिकनिक के लिए कुछ और चाहिए पेपा? हमें पिकनिक के लिए आरामदायक कंबल चाहिए। क्या आप ला सकते हैं ग्रैंडपा? अभी लाया पेपा। अरे यार, जैम सैंडविचेस बनाने में काफी उथल पुथल मच जाती है और उथल पुथल को साफ करने में और भी उथल पुथल मच गई है। कोई बात नहीं, अगर जैम ना गिरे तो जैम सैंडविच कैसे बनेगा? पेपा की सैंडविचेस तिकोन है, हो गया। और जॉर्ज की डायनासोर है। कंबल रख लिया। क्या हमें कुछ और चाहिए पेपा? हमें अपने ऑरेंज जूस के लिए कप्स चाहिए। शाबाश पेपा, लगता है हम जाने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अरे यार, बारिश हो रही है। बारिश में पिकनिक उतनी मजेदार नहीं लगती। लगता है हमें आउटडोर पिकनिक के लिए इंतजार करना होगा पेपा। लेकिन क्यों ना हम इसकी जगह इंडोर पिकनिक मनाएं?
पेपा ने तय किया कि वो अपने घर में पिकनिक मनाएगी। अब हम कभी भी पिकनिक मना सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो तभी भी, और मैं अपने सारे खिलौने ला सकती हूँ। पिकनिक। सभी को पेपा की पिकनिक बहुत अच्छी लगती है और पेपा को उनके लिए पैकिंग करना बहुत अच्छा। आज पेपा और उसकी फैमिली बोटैनिकल गार्डन में घूम रही है। ये कितना लंबा है। वाह, क्या अच्छी खुशबू है। और वो वाला तो डैडी के सर तक आता है। पेचीदा रास्तों वाली बुलबुलैया की ओर बढ़ते रहो, हिम्मत हो तो अंदर आओ। ये क्या है मिस रैबिट? ये एक पेचीदा रास्तों वाली भूलभुलैया है। ये एक लंबा घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। आपको बीच में बड़ा फव्वारा ढूंढना होगा। पेपा और जॉर्ज को पेचीदे भूलभुलैया वाली बात रोमांचक लग रही है। मैं भूलभुलैया में कुछ हद तक माहिर हूँ, मैं शायद ही इसमें कभी खोया हूँ। गुड लक। तो फिर चलो। पेपा और उसकी फैमिली भूलभुलैया से होते हुए अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर ये बहुत घुमावदार है। सभी को ये वाकई बहुत मजेदार लगता है। यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ओह डियर, हमें वापस जाना होगा, दूसरा तरीका आजमाना होगा। डैडी पिग, डैडी पिग यहाँ पर हूँ। मम्मी पिग, जॉर्ज और मैंने जरूर कोई गलत मोड़ ले लिया है। शायद हमें बीच में फवारे पर मिलना चाहिए। बढ़िया आइडिया है। रेस करो। देखो मम्मी, और बड़े फूल और छोटे वाले भी। पेपा और मम्मी पिग को भूलभुलैया में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन डैडी और जॉर्ज थोड़े खो से गए हैं। कोई बात नहीं जॉर्ज, जब तक हम इसे कर नहीं देते तब तक हार नहीं मानेंगे। हेलो जॉर्ज, फवारा उस तरफ है, बड़े पत्तों वाले उन फूलों के पास। हुर्रे, चलो वहाँ चले। सभी भूलभुलैया के बीचों बीच आ गए हैं। बहुत खूब, आपने भूलभुलैया के पहले भाग को जल्दी पूरा कर लिया। दूसरे भाग में क्या करना है? वापस जाने का रास्ता भी तो ढूंढना होगा। पेपा और उसकी फैमिली को पेचीदा झाड़ियों वाली भूलभुलैया में जाना बहुत अच्छा लगा, और बाहर जाने का रास्ता ढूंढना उन्हें और भी अच्छा लगने वाला है। आज मम्मी पिग स्पा में राहत भरा दिन बिताने वाली है। माफ करे मम्मी पिग, आज काम जल्दी बंद करना है, मुझे जुकाम है। अरे मैं कितनी उम्मीद से आई थी स्पा डे के लिए। क्यों ना हम अपने ही घर पर स्पा करें? ओह, ये तो शानदार आइडिया है पेपा। पेपा को बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। हेलो मिसेस मम्मी, स्पा में आपका स्वागत है। पेपा ने लिविंग रूम को बहुत खास स्पा में बदल दिया है। सबसे पहले हम करेंगे स्पा में क्या होता है मम्मी? वैसे हम आमतौर पर एक कप बढ़िया नींबू पानी से शुरू करते हैं। मैं ये कर सकती हूँ, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ मिसेस मम्मी। ये रहा। शुक्रिया पेपा, इससे बढ़िया नींबू पानी मैंने कभी नहीं देखा। आगे क्या करना है? इसके बाद मैं लेना पसंद करूंगी एक फुट बाथ। फुट बाथ क्या होता है? ये आपके पैरों के लिए एक छोटा सा बाथ होता है। ठीक है, टाइम है एक छोटी सी बाथ का आपके पैरों के लिए मिसेस मम्मी। चलिए डैडी। पेपा और डैडी पिग मिलकर खुद का फुट बाथ बना रहे हैं। लगता है इससे काम बन जाएगा। हाँ, ये कितना आरामदायक है।
पेपा ने फुटबाथ को रोज लिए जाने वाले बाथ में बदल दिया है। ये लीजिए आपकी ऑर्डर की हुई नाव मिस पेपा। आपके बाथ में बुलबुले और खिलौने तो होने चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं मिस रैबिट को ये सुझाव दूंगी। आगे क्या करना है मम्मी? इसके बाद अब बारी है मसाज की। यहाँ सोफे पर लेट जाओ और मैं बताती हूँ इसे कैसे करते हैं। पेपा को मालिश से बहुत गुदगुदी होती है। आपकी बारी मम्मी। ओह, ये बहुत ही अलग है मेरे नॉर्मल मसाज से। ये है स्पेशल पेपा मसाज। चू चू। अब वो जो आखिरी चीज मैं जो स्पा में करती हूँ वो है मड मास्क, जो है मड से बना हुआ मास्क। एक खास तरह का मड जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई खास स्पा मड होगा। मेरे पास एक आइडिया है। पेपा को बहुत बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। हमें स्पा मड की जरूरत नहीं है जब हमारे पास है कीचड़ भरे गड्ढे। ये बिल्कुल कीचड़ वाला मड मास्क है। पेपा को स्पा भी बहुत अच्छा लगता है और खास करके जब उसे मिट्टी के गड्ढों में कूदने मिलता है। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पापा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। अब क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पापा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब कि मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। पेपा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पेपा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। मैंने कर दिखाया, मैंने खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जॉर्ज और मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। बस बस। आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? हाँ, कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। ओ,
मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पेपा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पेपा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी, जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह, पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पेगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी? वैसे मैं काफी थक जाती थी, तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पेपा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा, ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था तो डैडी पिक मेरे पैरों की मालिश करते थे। पेपा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा। डैडी, मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा, ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिक की पैर की मालिश मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओह वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिक प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया। आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है। अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ पकड़ लिया। आज पेपा जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग के साथ मछली पकड़ रही है। बहुत बढ़िया पेपा, तुम्हारी अब तक की पकड़ी गई सबसे पहली चीज। जूते? जूते तो पानी में नहीं रहते हैं। सही कहा पेपा, किसी के जूते खो गए होंगे। जॉर्ज ने अपनी फिशिंग रॉड पर कुछ पकड़ लिया है। ये वाकई कोई बहुत बड़ी मछली होनी चाहिए। जॉर्ज ने जो पकड़ा है सभी उसे खींचकर बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। जॉर्ज के हाथ भी जूता ही लगा है। बहुत बढ़िया जॉर्ज। एक और जूता? अजीब बात है। आपको मेरे दोनों जूते मिल गए। क्या ये आपके जूते हैं मिस्टर बुल? हाँ, वो मेरी नाव से गिर गए होंगे। क्या हम अब कुछ मछलियों को और पास से देख सकते हैं ग्रैंडपा? चलो देखते हैं क्या हमें कम पानी में मछली मिलती है। पेपा कम पानी में कुछ मछली पाकर जोश में आ जाती है। चीटे, चीटे, चीटे। सावधान, तुम लोग ज्यादा चीटे नहीं उड़ा सकते वरना सारी मछलियाँ डर जाएंगी। ग्रैंडपा, हम जाल का इस्तेमाल करके मछली का पता कैसे लगाते हैं? बस तुम्हें ऐसे धीरे से पानी के अंदर जाल को खींचना है। मछलियाँ? वो तो बहुत चमकीले हैं। मैं ऐसे करके देख सकती हूँ? बेशक तुम कर सकती हो। पानी के होते हुए धीरे से, इसमें एक नीला है और दूसरा हरे धब्बे वाला है, वो क्या है ग्रैंडपा? वो छोटी मछलियों का स्कूल है पेपा। मजाक किया ग्रैंडपा, मछली स्कूल नहीं जाती। नहीं, इस तरह की मछलियों के समूह को स्कूल कहते हैं। ओह, ये क्या है? मिस्टर बुल का जूता
फिर से? ओह, तुमने मेरा बूट ढूंढ लिया। ये फिर से पानी में गिर गया होगा। धन्यवाद पेपा। मिस्टर बुल, आपको इस चीज की सावधानी बरतनी चाहिए कि जो चीजें पानी में नहीं होनी चाहिए वो पानी में ना गिरे। हाँ, हम मछलियों को डराना नहीं चाहते। मैं वादा करता हूँ सावधानी बरतूंगा। वो भी अभी से। पेपा को जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग के साथ मछली के बारे में सीखना अच्छा लगता है और उसे वाकई छोटी मछलियों को पास से देखना अच्छा लगता है, पर जूते को नहीं। चलिए ना, बस पटाखे अभी चलने ही जा रहे हैं। बॉनफायर की रात है और पेपा काफी जोश में है। उसे बॉनफायर बेहद सुंदर लगते हैं। हाय पेपा, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। पटाखे चलना शुरू होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ये पटाखे तो काफी ऊपर जा रहे हैं। पेपा को लगता है पटाखों से काफी शोर होता है। पटाखे वाकई बहुत आवाज करते हैं दादाजी। ओ बच्चे, क्यों ना हम कुछ और पीछे जाएं? उनसे दूर जाने पर ज्यादा शांति मिलेगी। हम पीछे जा रहे हैं जहाँ पटाखों की आवाज इतनी जोर से ना आए। अच्छा विचार है, हम भी आएंगे साथ में। निकलने दीजिए प्लीज। हम फिर से आ गए, सॉरी। क्या अब ठीक है पेपा? हाँ, शुक्रिया डैनी। बढ़िया, अब हम सब पटाखों के नजारों का मजा ले सकते हैं। इनमें कितने सारे रंग हैं? लाल और नीले और हरे और पीले। पेपा को पटाखों को देखकर बहुत मजा आ रहा है। और अब समय आ गया है जबरदस्त पटाखों का। सभी अपना दिल थाम लें। जबरदस्त मतलब और जोरदार आवाज वाले? अरे बाप रे, अब हम क्या करें? हम अब और पीछे नहीं जा सकते। हमें घर भी तो जाना है ना? लेकिन मुझे पटाखे देखने हैं। मुझे उनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुननी। मुझे पता है। कभी कभी ना मेरे दादाजी भी वाकई काफी जोर से बोलते हैं, तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। हेडफोन्स? हाँ, ये आपके कानों को ढक देते हैं और तेज आवाज धीमी लगने लगती है। क्या तुम्हें ये आजमाना है? वाओ, ये तो काफी बेहतर है। शुक्रिया डैनी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है पापा। हमें पटाखों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। सभी को मेरा हेलो। मम्मी पिग पेपा को प्ले ग्रुप छोड़ने जा रही है, लेकिन मम्मी पिग बेबी अलेक्जेंडर की देखरेख भी कर रही है। ओह, अरे अरे, बुरा ना माने तो मैं जाने से पहले एक बार अलेक्जेंडर की बदबूदार नापी साफ कर लूं। ओ, क्या हम उसे साफ करने में मदद करें? प्लीज। ठीक है, क्या तुम मुझे चेंजिंग बैग से नापी क्रीम दे सकते हो और एक साफ सुथरी नापी भी देना? सभी को बेबी अलेक्जेंडर की नापी बदलने में मम्मी पिग की मदद करना अच्छा लगता है। देखो, एकदम तरोताजा। क्या हमारे साथ बेबी अलेक्जेंडर खेल सकता है? वैसे बिल्कुल क्यों नहीं। पेपा बेबी अलेक्जेंडर को प्ले ग्रुप की अपनी सारी मनपसंद चीजें दिखा रही है। ये किताबें हैं। बेबी अलेक्जेंडर को सारी किताबें पसंद आती है। ये रही पूरी दुनिया। और उसे ग्लोब को गोल गोल घुमाने में मजा आता है।
और ये है मैडम गज़ेल। हेलो छोटी अलेक्जेंडर। लेकिन उसे मैडम गज़ेल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अब शायद थोड़ी सी पेंटिंग करनी चाहिए। सभी अपनी खुद की तस्वीर बना रहे हैं, जिसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहा जाता है। मैं हूँ पेपा पेंट। नमस्ते। हेलो पेपा, मैं फ्रेडी हूँ। मैं सूजी हूँ। और मैं जरूर हूँ। शाबाश बेबी अलेक्जेंडर, ये तो जायकेदार सेब जैसा लग रहा है। बेबी अलेक्जेंडर की पेंटिंग को देखकर पेपा को याद आता है कि लंच टाइम हो गया है। बेबी अलेक्जेंडर का भी लंच टाइम हो गया है। वो बच्चों का खास खाना खा रहा है। ये आई ट्रेन अलेक्जेंडर। चुक चुक। मम्मी, क्या बेबी अलेक्जेंडर का खाना बढ़िया है? उसे अच्छा लगा। अरे अरे, निकलने से पहले क्या मैं अलेक्जेंडर को फिर से साफ कर लूं? हाँ, बिल्कुल। ओह, मैं बैग ले लूं। बेबी अलेक्जेंडर का प्लेग्रुप में आना सभी को अच्छा लगता है, और बेबी अलेक्जेंडर को भी यहाँ आकर अच्छा लगा। आज पेपा ग्रैंडपा पिग के बगीचे के फूलों के मजे ले रही है। सदा खुश रहो पेपा। ये पीली चीजें क्या है ग्रैंडपा पिग? इसे कहते हैं पराग। बम्बल बीज इसे बगीचे में ले जाती है और फूलों की बढ़त में मदद करती है। थैंक यू छोटी बम्बल बी की मदद करने के लिए। सावधानी से पेपा, बम्बल बीज को हाथ मत लगाना। पर क्यों ग्रैंडपा, ये कितनी रंगीन और प्यारी है। क्योंकि तुम काफी बड़ी हो और बम्बल बी काफी छोटी है, इसलिए शायद वो डर जाए। और जब बम्बल बी डर जाती है तो वो डंक मार सकती है। सचमुच? हाँ, इसलिए तुम्हें उनसे काफी नरमी से पेश आना चाहिए और उन्हें काफी जगह देनी चाहिए। कुछ लोगों को इनके डंक से एलर्जी भी हो सकती है। पेपा नहीं जानती कि अब उसे बम्बल बीज पसंद है या नहीं, पर बम्बल बीज दुनिया के लिए मददगार और दयालु भी होती है। इन्हीं की वजह से तो हमें शहद मिलता है। मुझे शहद पसंद है। बम्बल बीज छत्ते में शहद बनाती है, जैसे कि ये वाला। क्या मैं देख सकती हूँ? ओ रुको, छत्ते में काफी बम्बल बीज है, इसलिए पहले तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। तड़ा, मेरा मतलब है बस बस। पेपा, जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग खास तौर पर मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि उनके सिर, हाथ और शरीर डंक से बचे रहे। बेहतरीन। ग्रैंडपा पिग पेपा और जॉर्ज को अपने बम्बल बी के छत्ते का एक भाग दिखा रहे हैं। वो सारी बीज उस छोटी से घर में रहती है। हाँ, ये यहीं पर तो जायकेदार शहद बनाती है। बम्बल बीज खाना इकट्ठा करने और एक दूसरे का बचाव करने के लिए एक टीम की तरह काम करती है। जैसे मैं और जॉर्ज, हम भी हैं जैसे बम्बल बीज। बीज जो शहद बनाती है उसका क्या होता है? वैसे हम इसे इस तरह से जार में डालते हैं। ग्रैंडपा पिग एक कांच के जार में ताजा शहद इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम लंच के लिए जायकेदार हनी सैंडविच बनाते हैं। ये अब तक का सबसे बढ़िया सैंडविच है। थैंक यू छोटी बी। पेपा को हनी सैंडविच पसंद है और पेपा को बम्बल बीज उनके दयालु। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर,
आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। तो फिर आप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओ, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। What fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। हेलो, मैं हूँ राजा पेपा। आज प्ले ग्रुप का एक नया दिन है और सभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि पेपा एक राजा है। मैं राजा हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी को स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। बेशक मेरे महाराज। राजा पेपा प्ले ग्रुप का राजा होने के मजे ले रही है। उसे स्वादिष्ट खाना वाकई पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी किशमिश महाराज। ओ शुक्रिया कैंडी, मुझे किशमिश बहुत पसंद है। लेकिन मेरा पेट काफी भर गया है। क्या मैं राजा बन सकता हूँ अगर आप थक गई हो राजा पेपा? अच्छा आइडिया है, ये लो राजा पेड्रो। अब पेड्रो पोनी प्ले ग्रुप का राजा है। मैं कहता हूँ कि सब लोग कुछ लो। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि उछलने में मजा आता है। राजा पेड्रो ने सही कहा, उछलने में मजा आता है। बहुत अच्छा उछल रहे हो डैनी। शुक्रिया राजा पेड्रो। हॉप हॉप। किंग पेड्रो, आपने कहा था कि सबको उछलना है, मतलब आपको भी। ओ, सही कहा। हॉप 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 हॉप। क्या तुम अब राजा बनना चाहती हो कैंडी? म्याऊ। हाँ बिल्कुल। हॉप हॉप। कैंडी राजा है। मैं कहती हूँ कि सबको एकदम शांत रहना चाहिए। हाँ, अब सभी को बोलना है जोर से। शांत हो जाओ। अब जोर से। हर कोई राजा कैंडी और राजा डैनी के नियमों के भरपूर मजे ले रहा है। शांति से।
सोचे। अब जॉर्ज राजा है। ओ? डायनासोर। हुरे! राजा जॉर्ज कहते हैं कि सभी को डायनासोर जैसी चीजें करनी चाहिए। ये कितना पिलपिला है। पेपा और उसका प्ले ग्रुप आज खूब सारे गेम्स खेल रहे हैं। ये जेली जैसा लगता है। सही। आहा, ये एक केले जैसा लग रहा है। फिर से सही। टीस भी केले जैसा लग रहा है। तुम्हारी बारी पेड्रो। लेकिन मुझे पिलपिली सी चीजें छूने में अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, हमारी पिलपिले चीजें स्वादिष्ट थी। ओ, ये ठंडा है और मेटल से बना है। क्या ये एक चाबी है? हाँ हाँ। शाबाश पेड्रो। ये हमारे मिस्ट्री बॉक्स की चाबी है। हमें इनाम तक पहुँचने के लिए दो और ढूँढनी होंगी। हम बाकी चाबियाँ कैसे ढूँढेंगे मैडम गिजेल? बेशक, अपने अगले गेम में। ये पिन्याटा है। इनके अंदर दिलचस्प सरप्राइजेस मिलेंगे। लेकिन ये कैसे करे? तुम्हें ने मार के खोलना है इस नाजुक फोम के बैट से। इसमें बर्फ ही बर्फ है। मेरा भी। हुरे! मैंने कर दिया दूसरी चाबी। बस अब एक और चाहिए। मुझे पास्ता पार्सल बहुत पसंद है। मुझे भी। मुझे भी। मुझे लगा मैं जीत गया। ये गाना तो बहुत ही लंबा है। ये क्या है? ओ, म्यूजिक रुक गया। अब पेपा और उसके दोस्तों को तीनों चाबियां मिल गई है। अब उनके इनाम पाने का समय है। क्रिसमस बिस्किट्स। यम। तुमने कर दिखाया पेपा। तुम सब ने ये मिलकर किया है पेड्रो। ग्रुप के लिए तैयार होने का समय हो गया है पेपा। हेलो सांता, आप फिर से आ गए। आज पेपा का क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्ले ग्रुप में पहला दिन है। नहीं मम्मी, ये तो मैं हूँ। लेकिन पेपा नहीं चाहती कि क्रिसमस अभी खत्म हो। ओ पेपा, ये कपड़े तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्ले ग्रुप के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे सांता की तरह कपड़े पहनना पसंद है। मैं नहीं चाहती क्रिसमस खत्म हो। कितना मजेदार होता है। मुझे पता है, लेकिन प्ले ग्रुप भी खूब मजेदार हो सकता है। तुम जाओ और अपने बैकपैक में चीजें रखो। गुड मॉर्निंग पेपा, तुम्हारा ये बैग तो काफी भरा हुआ है और काफी भारी भी। अरे तुमने इसमें क्या रखा है? बस प्ले ग्रुप में चमक लाने के लिए कुछ चमकती हुई चीजें। अच्छा, सांता की तरफ से एक खिलौना। अरे वाह। कुछ कैंडी केन्स। स्वादिष्ट। ओ, और कुछ ब्रसल्स स्प्राउट्स। शायद तुम्हें प्ले ग्रुप के लिए थोड़ी और काम की चीजें लानी चाहिए। जैसे क्या?
शायद रंग भरने के लिए कुछ क्रेयॉन, कुछ स्वादिष्ट फल और पढ़ने के लिए किताब। ओह, सांता मेरे लिए वो किताब लाए थे। वो बढ़िया आइडिया है। जाने का समय हो गया पेपा। ओह, क्या हम स्लेट से प्ले ग्रुप जा सकते हैं? मुझे तेज जाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता पेपा, बर्फ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि स्नोमैन भी लगभग जा चुका है। मुझे लगता है कि आज हमें कार से जाना होगा पेपा। ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिसमस के खत्म होने से दुखी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि प्ले ग्रुप भी उतना ही मजेदार हो सकता है। आज सुबह प्ले ग्रुप के सभी लोग पेपा को देखकर काफी खुश होते हैं। वेलकम बैक पेपा, क्या तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टी मजेदार रही? हाय पेपा, क्या तुम मेरे साथ ड्रेसअप खेलना चाहोगी? अरे हाँ, मुझे ड्रेसअप करना पसंद है। या हम किताब पढ़ सकते हैं। सांता ने मुझे एक नई किताब दी है। चलो अपने स्कूटर पर एक दूसरे से रेस लगाते हैं। अरे हाँ जरूर। प्ले ग्रुप भी क्रिसमस की तरह ही मजेदार है। पेपा को क्रिसमस वाकई पसंद है, लेकिन पेपा